हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मधु आपके साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर क्लॉथिंग हॉल, जिसमें मेरा फर्स्ट आइटम होने वाला है ये आपकी वेस्ट लाइन तक जैकेट, जिसका फैब्रिक आपका काफ़ी अच्छा है। इस फैब्रिक में आपको कहीं से भी कोई भी एयर लीक नहीं होने वाली है। प्लस आपको यहाँ पर मिल जाती है कैप, एंड ये कैप है वो आपकी जैकेट में अटैच है। एंड साइड में आपको दो पॉकेट मिल जाती हैं, प्लस जिप्पी मिल जाती है, जहाँ आप अपना कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं। वेस्ट पर आपको यहाँ इलास्टिक मिल जाती है, और जो इस पर वर्क हो रखा है वो सेम फील्ड वर्क हो रखा है, स्ट्रेट लाइनिंग की गई है। एंड मिड पार्ट पर भी यहाँ पर आपको जिप दी गई है। एंड आपको यहाँ टू शेड्स अवेलेबल होते हैं, वन बेज एंड सेकेंड ब्लैक। जो नेक्स्ट क्लॉथ है वो भी सेम जैकेट है, पर वो पार्टी वेयर जैकेट है। एंड वो आपको अवेलेबल होती है वाइट कलर में, जिसकी लेंथ है आपकी वेस्ट लेंथ। एंड यहाँ पर आपको डिटेलिंग दी हुई है सिल्वर बटन से। एंड यहाँ पर आपको मिडल पार्ट में कोई भी जिप नहीं मिलती, यहाँ आपको साइड पार्टीशन में बटन मिलते हैं अपनी जैकेट को क्लोज करने के लिए। एंड कॉलर दिया हुआ है, एंड आप इसको कहीं भी वेयर कर सकते हैं, ऑफिस में या घर पर, किसी भी फेस्टिव टाइम पर, स्कर्ट के साथ, जींस के साथ, प्लाजो के साथ, जो आप चाहें। एंड आपकी जो वेस्ट पर यहाँ बेल्ट के लिए हुक्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो बेल्ट भी ले सकते हैं। एंड काफ़ी बेटर फैब्रिक है, जो इसका फैब्रिक है वो जींस फैब्रिक है, ये कोई गर्मी वाला फैब्रिक नहीं है, और काफ़ी बेटर रहेगा सर्दियों के लिए। जो नेक्स्ट है वो है पोचो, जो इसका शीट है वो है पीच शीट। एंड आपकी जो लेंथ मिल जाती है वो हिप साइज तक इसकी लेंथ है, काफ़ी अफोर्डेबल है। जितने भी मैंने यहाँ क्लोथ शो किए हैं सभी अंडर 1000 में हैं। एंड यहाँ आपको तीन शीट्स अवेलेबल होते हैं, पीच एंड स्काई ब्लू, एंड आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रे कलर। तीनों के ही प्राइस जो है काफ़ी अफोर्डेबल है। प्योर ऊनी ऊन से बना हुआ है ये पोंचो, एंड काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है सर्दियों में आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है, सेम फील्ड वर्क किया हुआ है। एंड जो इसकी बॉर्डर किया हुआ है उसमें टैसल लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉलर, कॉलर से हाँ पोंचो की लुक ही अलग होती है, अदरवाइज सभी पोंचो में कॉलर होते ही हैं। और जो ये ग्रे कलर है ये भी काफ़ी आपकी स्किन टोन से काफ़ी मैच करने वाला है, अगर आप फेयर कलर के हैं तो भी बेटर लगने वाला है, अगर आपकी स्किन डस्की टाइप है तो भी बेटर लगने वाला है। और जो इसकी टेसल की वर्किंग दी हुई है बॉर्डर पे, OMG इसकी जो लुक है उसको चार चांद लगा देने वाला है। जो नेक्स्ट है वो भी अगेन पोंचो है, बट ये थोड़ा पार्टी वेयर पोंचो है। इसकी जो बॉर्डर है वहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर से थ्रेड वर्क की गई है, और जो इसकी डिटेलिंग है काफ़ी फाइन है। एंड मिड में यहाँ पर जो थ्रेड वर्क है उससे फ्लावर दिए गए हैं, जिससे इसकी लुक और भी अच्छी आती है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज जितने भी जैकेट एंड पोंचो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं इन सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप लॉन्ग जैकेट पहनना पसंद करते हैं तो यहाँ उसके लिए ये ग्रे रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन हम लेके आए हैं। एंड रेड कलर के बटन से इसमें डिटेलिंग की गई है, और जो इसका एरो वर्क है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, हिप साइज तक इसकी डिटेलिंग है। अगर आप इसको स्कर्ट पे भी वेयर करते हैं तो भी काफ़ी खूबसूरत लुक देने वाला है। प्योर ऊन से आपको ये जैकेट मिलने वाला है। एंड आपको यहाँ पर मिलते हैं टू पॉकेट, साइड पॉकेट, जिसमें आप इजीली अपना सामान कैरी कर सकते हैं और एक गॉर्जियस लुक दे सकते हैं खुद को। जो नेक्स्ट आइटम है वो भी एक जैकेट है, उसकी जो लेंथ है वो वेस्ट लेंथ से थोड़ा बड़ी है। एंड यह है रूबी रेड में, प्लस आपको यहाँ मिलती है कैप, जिसकी बॉर्डर में फर लगे हुए हैं, और जो कैप है वो आपकी जैकेट से अटैच है, और अटैचमेंट के लिए यहाँ शो की गई है चेन। एंड सेम फील्ड वर्क किया हुआ है स्ट्रेट लाइन से। एंड आपकी जो बाजू हैं वहाँ पर आपको इलास्टिक मिल जाती है, बट आपके पैक पर या कमर पर कोई इलास्टिक नहीं है। एंड आप देख सकते हो जो इसका रिबन है उसे आप अपने जो कैप है उसको फिट कर सकते हो अपने हेड के अकॉर्डिंग। एंड आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 या 4 शेड्स, 1 रूबी रेड, सेकेंड ये
पीच या बेबी पिंक शेड है। एंड जो नेक्स्ट है वो है मस्टर्ड कलर, आप देख सकते हो मस्टर्ड कलर काफ़ी ट्रेंड में रहता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। एंड जो सबका फेवरेट है वो है ब्लैक। ब्लैक को आप कहीं पर भी कैसे भी किसी भी रफ टफ कैसे चाहो यूज कर सकते हो, इजली कैरी होता है, लाइट वेट है, पहनने में कम्फर्टेबल है। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा विंटर क्लॉथ हॉल पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा यह हॉल पसंद आता है तो मेक श्योर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।